टेक वन ब्रेड हियर एंड देन ईट इट. इतने टाइम के बाद इंडियन खाना खा गया, आज मजा ही आ गया. डिलीशियस. आई लाइक स्पाइसी अ लॉट. भाई यहां पे योगा सिखाते हैं. इंडिया से नहीं, इंडियन से वापी हुई. बाकी काफी लोग हैं. लगभग 2 घंटे होने वाले हैं, कोई भी लिफ्ट नहीं मिली है. पता नहीं यार क्या इशू है. रिसेप्शन इस हियर है. यू हैव अ रिजर्वेशन? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मॉन्टेनेग्रो. मेरा नाम है तोर वशु. आज मेरा लास्ट डे है बुधवा में. मैं अभी अपने होस्ट के साथ हूँ, बातो भाई के साथ. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अभी हम लोग एक बहुत ही स्पेशल जगह जा रहे हैं. आप लोगों से कोई से मिलवाने वाला हूँ मैं. पास में रहते हैं इनके घर से, जस्ट 2 मिनट बाई वॉकिंग डिस्टेंस. हेलो. सो गाइस, अभी मैं दिनेश भाई के घर में हूँ. तो अभी कुकिंग कर रहे हैं, इसलिए कैमरे पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं. अभी आपको मिलवाता हूँ मैं अच्छे से. अभी हम लोग इनके घर आए हुए हैं. इन्होंने हम लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए इन्वाइट किया हुआ है. तो दिनेश भाई गुजरात से हैं और मॉन्टेनेग्रो में लगभग पिछले 5-6 साल से रह रहे हैं. 7 साल हो गया है भाई को रहते हुए. तो कल रात में भी मैं इनके साथ मिला था, भाई के साथ. तो ये देखो भाई, यहाँ पे पनीर का पराठा बना रहे हैं. तो ये पिनार है. My name is Pinar. Hello. She's from Turkey. और ये भी मॉन्टेनेग्रो में रह रही हैं. वो तो गीज की जो आता था दुनिया आई. तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है. कुछ ऐसा घर देख सकते हो. It's so beautiful. Take one bread here and then eat it. Yeah, like pancakes. Yes. No, no, you can eat like this. That's, you know, this is sauce, mix it and eat it. Nice. तो गाइस यहाँ पे कुछ पनीर के पराठे हैं, कुछ प्लेन पराठे हैं और साथ में ये दम आलू है. तो कुछ ऐसा इंडियन खाना है, दूसरे खाने जा रहे हैं. फिर मैंने दिनेश भाई से बोला कि आप भी आ जाओ. तो बोल रहे हैं आप लोगों को फ्रेश बना के दे दो, नहीं तो खाने में मज़ा नहीं आएगा. फिर हम मैं ज्वाइन करता हूँ. पिनार, हाउ इज द फूड? डिलीशियस. आई लाइक स्पाइसी अ लॉट. ओके, दिस इज वेरी नाइस. व्हाट इज द नेम? दमालू. दमालू. दमालू, या डिलीशियस. बातो, हाउ डू यू लाइक द फूड? आई रियली लाइक इट. इट्स वेरी डिलीशियस. इज इट स्पाइसी फॉर यू? इज इट ओके? No, it's not that spicy. You like it? Of course I like it. Yeah, okay. Enjoy the food. It's very nice combination. First you put it in small quantity. If you feel it's less or more, then you can increase or decrease the quantity. Okay. Dam is like, dam means masala or something like spice. And aloo is potato in Hindi language. Uh-huh. Potato. Dam, aloo. Dam, aloo. Yeah. Strong, very nice, strong. Very strong. Zest. Yeah. इतने टाइम के बाद इंडियन खाना खा गया, आज मज़ा ही आ गया. बहुत टेस्टी खाना है. थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इंडियन फूड. बहुत दिन के बाद खाया मैंने. लगभग इतने काफ़ी लंबे से ट्रिप पे हूँ, बट आज फाइनली घर का बना इंडियन खाना मिल रहा है. नो प्रॉब्लम. वेलकम स्पेशली इंडिया से है. अगर आप इंडिया से हैं और मॉन्टेनेग्रो में हैं तो एवरीबॉडी इज वेलकम है सबको. थैंक यू भाई. एंड तुर्की, वी हैव तुर्की हियर. या हेलो तुर्की. दिनेश भाई ने गरम गरम ये चाय बना कर, ये मसाला चाय पी के बहुत मज़ा आ रहा है. तो दिनेश भाई कैसे हैं? किमचू. मस्त है यार. बढ़िया. हाँ, आपकी लाइफ कैसी चल रही है यहाँ पे मॉन्टेनेग्रो में? यू कैन सी बहुत अच्छी है यहाँ पर. यू नो, हर रोज स्विमिंग करने जाते हैं. पाँच मिनट में बीच है यहाँ पे. पाँच मिनट में पानी रास्ता है. तो दिनेश भाई यहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर, योगा सिखाता हूँ मैं. तो भाई यहाँ पे योगा सिखाते हैं. योगा वाले यहाँ पे आप ही होंगे, और भी कोई होंगे? सिर्फ आप ही होंगे? इंडिया से मैं ही. इंडिया से आप ही होंगे? बाकी काफ़ी लोग हैं. बाकी काफ़ी लोग हैं. 30-40 योगा इंस्ट्रक्टर हैं. थैंक यू सो मच फॉर द फूड, फॉर द मसाला चाय. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया भाई जी. थैंक यू. और नाश्ते के लिए, चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. धन्यवाद भाई. मजा आया आपके साथ. ख्याल रखिए आप. मिलेंगे फिर कभी आपसे. ओके भाई, चलिए. बाय बाय. सो गाइस, अब टाइम है बुधवार को बाय बाय बोलने का और अगली जगह चलने के लिए जहाँ मैं जाने वाला हूँ. तो जो मेरी होस्ट एलिना, वो भी है नहीं ऑफिस में. उनसे मैं मॉर्निंग में मिला था जब ऑफिस जा रही थी. अभी तो अपने ऑफिस में है. तो अब टाइम निकलने का. बातो, थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग एंड फॉर एवरीथिंग. आई रियली हैड अमेजिंग टाइम विद यू. आई एंजॉयड अ लॉट. या, होप यू एंजॉय टुगेदर. ओके ओके, सी यू. टेक केयर. टेक केयर. See you next time to enjoy. Yes, brother, and you are welcome to India. Please visit India. Can't wait to visit India. Yeah. Hope that we'll have enough time and
to enjoy together again. I am expecting you in India very soon. Definitely. Thank you so much, brother. Perfect. Thank you. Bye. Bye. मैं निकल लिया हूँ अपने होस्ट के घर से. मॉर्निंग के 11:30 हो रहे हैं और यहाँ पर ना जितना मेरे को लग रहा है बातों के अलावा कोई भी कैमरा के सामने उतना कंफर्टेबल नहीं है. मेरी होस्ट उतना कंफर्टेबल नहीं है तो बहुत कैमरे के सामने नहीं आई हैं. और दिनेश भाई से मिले थे वो भी लग रहा था मेरे को बहुत कंफर्टेबल नहीं है कैमरे के सामने, इसलिए मैंने उनसे तो खैर मेरी बहुत ज़्यादा बात हुई, बहुत ही ज़्यादा बात हुई, बट कैमरे के सामने उतनी बात नहीं हो पाई, मैं दिखा नहीं पाया. तो अब मैं अगली सिटी जा रहा हूँ मॉन्टेनिग्रो के, जिसका नाम है बार, और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है. बहुत ही छोटी कंट्री है तो सब कुछ पास ही पास है. कुछ सिटीज़ 20-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, कुछ सिटीज़ 50-60 किलोमीटर डिस्टेंस पे है. उस तरह डिस्टेंस पे यहाँ कोई सिटी नहीं है, सब कुछ बहुत पास में है. यानी कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी एक घंटे में पहुँच सकते हो. आज मेरे पास टाइम बहुत है, पूरा दिन आज मेरे पास है, 11:30 बज रहे हैं. तो मैं सोचा हूँ हिचाइक ट्राई करने के लिए, हिचाइकिंग. तो इसके लिए मैंने अपने होस्ट बाटो से थोड़ा बहुत गाइडेंस लिया है कि कौन सा स्पॉट सही रहेगा. उन्होंने मेरे एक जगह बताई है सिटी के थोड़ा आउटर में, वहाँ एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट है. तो वहाँ दो रास्ता गया है, एक बार की तरफ और एक मॉन्टेनिग्रो की कैपिटल पॉट के रिस्सा की तरफ गया है. तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, लगभग 2 किलोमीटर है. वहाँ से मैं हिचाइक करना शुरू करूँगा बार के लिए, जो यहाँ से 40 किलोमीटर है. होपफुली एक घंटे में लिफ्ट मिल जानी चाहिए. फिर भी अगर लिफ्ट नहीं मिलती 1-2 घंटे बाद मैं वापस आ सकता हूँ, बस ले सकता हूँ. तो ट्राई करने में क्या जाता है, देखता हूँ क्या एक्सपीरियंस रहता है. तो यार हाईवे तक वॉक करके जा रहा हूँ. कुछ इस टाइप का नज़ारा है यहाँ पे, देखो बहुत ही प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल घर हैं. सामने का व्यू बहुत खूबसूरत, पूरा माउंटेन का व्यू. इधर भी देखो कितने अच्छे अच्छे घर हैं, पूरे घर में इन्होंने पेड़ लगा के गार्डन टाइप का बनाया हुआ है. यार ये लोकेलिटी काफ़ी सही है यार, बहुत बढ़िया लोकेलिटी है, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे. और सामने ये पेंटिंग बनी हुई, पेंटिंग बोलो या ग्राफिटी टाइप का बोलो. मैं बस गूगल मैप को फॉलो कर रहा हूँ और गूगल मैप मेरे को ये बहुत ही प्यारे प्यारे रास्तों से लेकर जा रहा है. कुछ बुधवा सिटी के अंदर की ये कुछ कॉलोनीज़ हैं. पिछले 2 दिन में बुधवा में मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और बातों से मेरी कल और परसों भी रात में बहुत ही ज़्यादा बात हुई, इतनी ज़्यादा बात हुई. नॉर्मली कोई भी कॉसर्फिंग होस्ट से मेरी इतनी ज़्यादा बात नहीं होती जितनी उनसे मेरी बात हुई कल और परसों मिला के. काफ़ी कुछ बातों से मॉन्टेनिग्रो की हिस्ट्री से रिलेटेड बात हुई, यहाँ के पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात हुई. तो सब कुछ कैमरे बताना भी सही नहीं है क्योंकि उस बात से काफ़ी लोग एग्री करेंगे, काफ़ी लोग एग्री नहीं करेंगे. जानते हो पॉलिटिकल चीज़ वैसी होती है. तो काफ़ी कुछ मेरे को जानने को मिला मॉन्टेनिग्रो के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में. मॉन्टेनिग्रो में अभी तक जितने लोग भी मेरे को मिले, जितने लोग भी मेरे को होस्ट किया है, सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ही बढ़िया लोग थे. इससे पहले एंड्रे थे वो भी बहुत अच्छे इंसान थे. उन्होंने मेरे को बोला जितना दिन रहना है इतना यहाँ पे रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये देखो आगे के राउंड अबाउट का यहाँ साइन लिखा हुआ है जहाँ मैं जा रहा हूँ. सीधा जाएगा बार और लेफ्ट साइड जाएगा पॉडगोरिका, जो कि कैपिटल है मॉन्टेनिग्रो का. पहले मैं पॉडगोरिका बोलता था, शायद इंग्लिश में पॉडगोरिका ही बोलते हैं, पर लोकल यहाँ पे पॉडगोरिका बोलते हैं. सामने ये बहुत ही फेमस, बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है, इसका नाम है डुकले होटल. इसका 4-स्टार होटल, पूरा हिल पे लोकेटेड है ये, एडियाटिक सी के कोस्ट पे. बहुत ही ब्यूटीफुल है डुकले, और ये राउंड अबाउट है देख सकते हो आप. फाइनली मैं वो स्पॉट पहुँच गया हूँ जहाँ से मेरे को चेकिंग शुरू करनी है. ये रोड बार का ही है, नीचे वाली ऊपर वाली पॉडगोरिका ही है. यहाँ डिस्टेंस भी लिखा हुआ है बार का 37, जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ से ऑलमोस्ट 40 था, और पॉडगोरिका 75 किलोमीटर है. तो मेरे को कहीं यहीं से हिचाइक करना स्टार्ट करना पड़ेगा. देखते कितनी देर में लेट मिलती है यहाँ से. कोई रोक नहीं रहा है, लोग ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके आगे चले जा रहे हैं. यार 1/2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, कोई गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि उल्टा एक दो टैक्सी वाले आके रुक गए हैं. बोले भाई आ जाओ, कहाँ जाना है. हमें कहा टैक्सी चाहिए, चेक कर रहा हूँ. ओ ओके ओके ओके, चले गए. फिर मैंने जगह चेंज किया है, पहले उधर था अब इधर आ गया हूँ. ये भी शायद कोई रोके यहाँ पे लाके. उम्मीद बाकी 1/2 घंटे हुए हैं, लगभग 2 घंटे होने वाले हैं, कोई भी लिफ्ट नहीं मिली है. टैक्सी के अलावा कोई भी नहीं रोक रहा है. पता नहीं यार क्या इशू है. मैं कई यूरोपियन से मिला हूँ जिन्होंने मॉन्टेनिग्रो में हिचाइकिंग की है. उन लोग बोलते हैं कि यार मैक्सिमम 5-10 मिनट या 15 मिनट में हिचाइक मिल चुकी है, उनको राइड मिल गई है, कोई ना कोई गाड़ी रोक दिया है. लेकिन मेरे को 2 घंटे होने वाले हैं, कोई भी नहीं रोक रहा है. यार ऑलमोस्ट 3 घंटे होने वाले हैं, देख सब रहे हैं बट रोक कोई नहीं रहा है, लिफ्ट कोई नहीं दे रहा है. मैंने अभी बातों को बताया कि ऑलमोस्ट 3 घंटे होने वाले हैं बट कोई लिफ्ट नहीं मिली है.
उन्होंने कहा इट्स वेरी वियर्ड, बहुत शॉक्ड हुए वो कि नॉर्मली आधे घंटे में लिफ्ट मिल जाती है, बहुत सारे लोग हिचाइक करते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई हिचाइक नहीं करता है। 3 घंटे हो चुके थे और मैं पूरी उम्मीद छोड़ दिया था, बस का ही वेट कर रहा था, तो ये भाई साहब मिले हैं। व्हाट्स योर नेम? योवान। तो योवान मिले, कह रहे पूरे बार तक तो नहीं जा रहा हूँ बट बुधवार बार के बीच में एक टाउन है पेट्रोवैक, मेरा पहले का वहाँ प्लान था जाने का, तो कह रहे मैं वहाँ तक आपको छोड़ दूंगा पेट्रोवैक तक, वो बुधवार और बार के बीच में अराउंड 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर रह जाएगा, कर वहाँ से आप अपना देख लेना, चाहे हिचाई कर लेना, नहीं तो वहाँ से बस स्टेशन भी है, आपको वहाँ से बस मिल जाएगी, हर एक घंटे बस जाती है। इंडिया ट्रेवलर, यू फ्रॉम विच टाउन? कितना प्यारा लैंडस्केप यार, क्या प्यारे नज़ारे यहाँ पे देखो, हर तरफ माउंटेन ही माउंटेन और माउंटेन के बीच से रोड गई हुई है, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, मज़ा आ रहा है। तो गाइस हम पेट्रोवैक आ चुके हैं और ये बुधवा और बार के बीच में ही है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रही है जगह। ओके, मेरे को ये पेट्रोवैक के बस स्टॉप पे ला कर छोड़ दिया है, सो नाउ यू गोइंग टू योर होम, गोइंग टू हाउस। ओके थैंक यू, हवाला हवाला बाय। तो ये बस स्टेशन है पेट्रोवैक का, देखो ऑटो बस का स्टेंसिया लिखा हुआ है, कुछ ऐसा बस स्टेशन है, बस तो कोई दिख नहीं रही है दूर दूर तक, लेकिन सामने ये टिकट काउंटर है। बार टाउन की मैंने बस ले लिया है, अभी 4 बज रहे हैं, 4:30 की बस है, ये बस टिकट है 3 यूरो का। फाइनली पहुंच चुके हैं बार, ये वाला बार नहीं है, ये बार सिटी है मॉन्टेनिग्रो में, और वैसे तो ये काफी छोटा टाउन है मॉन्टेनिग्रो में, बट बार जो है ना ये मॉन्टेनिग्रो का सबसे बड़ा सबसे मेन पोर्ट सिटी है पूरे मॉन्टेनिग्रो का, लगभग 13,500 इसकी पॉपुलेशन है, सेम एस कोटोर। तो अभी मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, अराउंड 1.1 किलोमीटर दिखा रहा है भाई वॉकिंग, जाता हूँ रेस्ट करता, यार बहुत थक गया आज का दिन, देखो आप कैसे गया है कैसे नहीं गया, क्या कर सकते हैं, कल बार को एक्सप्लोर करेंगे और या तो कल शाम को या परसों निकलेंगे लास्ट सिटी के लिए मॉन्टेनिग्रो में। ये देखो काफ़ी हरा भरा शहर है ये, हर तरफ बड़े बड़े ग्रीन ट्रीज लगे हुए हैं, और अब हम लोग अल्बेनिया बॉर्डर के काफ़ी पास आ चुके हैं, यहाँ से अल्बेनिया का बॉर्डर अराउंड 40 किलोमीटर है, और ये मेरी सेकंड लास्ट सिटी है मॉन्टेनिग्रो में, कुछ ऐसी सिटी है ये देखो, कुत्ते भी यहाँ रोड पर चल रहे हैं, पहली बार दिखे मॉन्टेनिग्रो में। मैं अपने हॉस्टल वॉक करके जा ही रहा हूँ, रास्ते में मॉन्टेनिग्रो का रेलवे स्टेशन पड़ा है, पूरे मॉन्टेनिग्रो में सिर्फ एक ही रेलवे की लाइन है जो बार से शुरू होती है और बार का कैप्टर पॉडगोरिट्सा से होते हुए मॉन्टेनिग्रो में नॉर्थ में जाती है, वहाँ से फिर क्रॉस करके सर्बिया तक जाती है। ये आपको जो ट्रेन दिख रही है ना, ये पूरी चलती है बार से लेकर सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड तक, और इसके अलावा हर 1 से 2 घंटे में बहुत सारी ट्रेन है जो बार से पॉडगोरिट्सा जाती है। ट्राई करूंगा अगर मौका मिला, टाइम मिल गया तो कोई ट्रेन राइड करने के लिए आपको मॉन्टेनिग्रो की ट्रेन भी मैं दिखा दूंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है, देखो आप जैसे लगता नहीं कुछ अलग ही टाइप का है पूरा, ये रेलवे स्टेशन पुराने टाइप का लग रहा है, पीछे पूरा माउंटेन, बहुत ही यूनिक व्यू आ रहा है, इवन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भी काफ़ी अलग टाइप की है देखो आप। और ये बाहर से बेलग्रेड की ट्रेन की लाइन 1976 में ओपन हुई थी, आज से लगभग 45 ईयर्स पहले, जब ये सारी कंट्रीज़ 6 रिपब्लिक्स यूगोस्लेविया का पार्ट हुआ करते थे, जब पूरी यूगोस्लाविया एज अ रिपब्लिक हुआ करता था। यार ये देखो रेलवे स्टेशन का व्यू देखो, और आगे की तरफ से क्या प्यारा व्यू है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। हॉस्टल वॉक करके जा तो रहा हूँ, लेकिन हॉस्टल पता नहीं कौन सी लोकेशन में है, देखो पूरा उधर जंगल टाइप का लग रहा है, माउंटेन्स है इधर, बड़े बड़े पेड़ हैं, चल कर ही पता चलेगा, इधर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना कुछ घर है ना कुछ है, कुछ पुराने पुराने घर हैं, बाकी पूरा जंगल है, पूरे पेड़ हैं। ये यार कहाँ पहुँच गया, यहाँ बहुत ढेर सारे ऑलिव्स के पेड़ हैं, पोमेग्रेनेट के पेड़ हैं, और यहाँ पे कुछ मुर्गे और मुर्गियाँ दिख रही हैं यहाँ पे, यहीं के आसपास हॉस्टल है, बहुत सारे ऑलिव्स के पेड़ हैं यहाँ पे देख सकते हो। पूरे बार म्यूनसिपैलिटी में 1 लाख से ज़्यादा ऑलिव्स के पेड़ हैं, 1 लाख से ज़्यादा ऑलिव के पेड़, कैन इमेजिन इतने ज़्यादा यहाँ पे हैं। फाइनली अपने हॉस्टल पहुँच गए हैं, हॉस्टल का नाम है नमस्ते हॉस्टल, नाम से तो इंडियन लग रहा है, देखते हैं कैसा है।
नमस्ते इन्होंने नाम रखा है, ओनर इंडियन है कि ऐसे ही इन्होंने नाम रख दिया, लेट्स सी। ये बड़ी सी शिप है यहाँ पे, क्योंकि पोर्ट सिटी है तो यहाँ शिप्स वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा हैं पूरे बार में। हॉस्टल तो काफ़ी अलग, काफ़ी यूनिक लग रहा है, देखिए बहुत ही सिटी से हट के है, जंगल्स और ग्रीनरी के बीच में। भाई ने हैमॉक लगाया हुआ है, आराम कर रहे हैं। ये हॉस्टल की बिल्डिंग, कलरफुल बिल्डिंग। वेलकम गेस्ट, रिसेप्शन इस हियर है। Reservation? Yeah, I have reservation. Cool. I need to take a photo of your passport. Okay, sure. One minute. ये देखिए भाई, कुछ ऐसा हॉस्टल है, बहुत कलरफुल है। One night, maybe I will extend one more night. But you have reservation for one night. Okay. I will extend. I will tell you tonight. Okay. Please give the lower bed. Because I have to work on laptop. यार कुछ ऐसा हॉस्टल है ये बार में, नमस्ते हॉस्टल। और जो मैडम थी वो सर्बिया से हैं, यहाँ पे वॉलंटियरिंग कर रही हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इस सिटी के बारे में। मैंने उनसे पूछा इस सिटी में क्या घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए क्या है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं अभी बहुत नई हूँ, मैं अभी ठीक से खुद ही नहीं घूमी हूँ, मैं अभी 20 दिन यहाँ रहने वाली हूँ। तो यहाँ के ओनर जब आएंगे मैं उनसे मिलूंगा, ट्राई करूंगा जानने के लिए उन्होंने इस हॉस्टल का नाम नमस्ते हॉस्टल क्यों रखा है। नॉर्मल हॉस्टल है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बेकार भी नहीं, मैं ऐसा कहूंगा एवरेज है, क्योंकि सिटी बहुत बड़ी है नहीं, टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, तो पूरा हॉस्टल ऑलमोस्ट खाली है, बहुत कम लोग हैं। इसको मैंने बुक किया है सिर्फ 500 रुपीज़ पर नाइट पे। तो फिर आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आप लोगों से कल मॉर्निंग मिलते हैं।